नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। बिजनौर शहर के नई बस्ती इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक भिखारी ने भीख न मिलने से नाराज होकर एक व्यक्ति के पेट में चाकू मार दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती इलाके का है, जहाँ मोहल्ले के रहने वाले नईम को भिखारी ने चाकू मारकर घायल कर दिया। नईम ने भिखारी को भीख देने से मना कर दिया था। अस्पताल में भर्ती नईम का कहना है कि वह आज सुबह घर पर था, तभी एक दिव्यांग भिखारी उसके पास भीख मांगने आया। उसने उसे पैसे दे दिए, महिला ने उसे भीख देने से मना कर दिया। आरोप है कि भिखारी ने महिला को तंग करते हुए उससे जबरन पैसे मांगे तो नईम ने उसका विरोध किया। भिखारी ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए पेट में दो चाकू मारकर घायल कर दिया। आसपास के लोगों ने भिखारी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। घायल का उपचार जारी है। नहीं बताओ क्या हुआ जी? क्या हुआ? फकीर आ गए मामले लगा दे। तो 10 रुपए में आया था वो, इधर आओ हमने दे दिए। तो देने बाद में एक लेडीज को मुंह लगा बराबर वाली, अब देखो ये जगह कफन में डाले पैसे अपने ना देने से, तो ये तरीके थोड़े से मांगने वाले नहीं। हाँ, छोटा वाला चक्कू था इसके। क्यों मारा उन्होंने? क्यों मारा? जब मैंने गया लेडीज के साथ तो नीचे दिख गया ना दे रहे उसकी मुझे तुमने मार दिया। कौन था, कहाँ का था, पता कुछ? लंगड़ा था, मुझे पता नहीं कहाँ था, एक टाउन था। किस जगह की बात है? अभी की बात है। कहाँ की? नहीं बता। तुम क्या काम करो? मैं अलग ही हूँ। तुम्हारे तुम्हारे इसका? जी हाँ। लगा हुआ व्यक्ति आया है, क्या मामला है? ये एक नईम नाम का आया है, ये टैंकर। इसको इसने बताया कि ये कोई भीख मांग रहा था, तो उन्हें गाली उली भी दे रहा था वो भीख मांगने वाला, तो उसने इससे पैसे वगैरह मांगे, तो उसने नहीं दिया जो भी हुआ, तो उसने इसके दो चाकू मारे। कैसी हालत? हालत ठीक है। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।